हेलो एवरीवन दोस्तों, सक्सेस एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनते ही बहुत अच्छा फील होता है, जिसको सुनते ही चेहरे पे एक अलग ही स्माइल आने लगती है। और कोई अगर आपको ये बोलता है कि आप बहुत ही सक्सेसफुल हैं या आप बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करते जा रहे हैं, तो अंदर से एक प्राउड फील होता है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये जो एक छोटा सा वर्ड है सक्सेस, इसका रियल मीनिंग, इसकी गहराई कितनी है? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज यही बताऊंगा आपको व्हाट एक्चुअली द रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस। और इस रियल मीनिंग को जानने के बाद ना ही आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, बल्कि आप उस सक्सेस तक पहुंचने का रास्ता भी जान जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप करे हुए, बिकॉज लास्ट में मैं आपको एक की एक फॉर्मूला भी बताऊंगा सक्सेस को अचीव करने के लिए। अगर वो फॉर्मूला आपकी लाइफ में एप्लीकेबल है तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होने वाले हैं, बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करने वाले हैं। और अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस फॉर्मूले को जान जाएंगे और वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, सक्सेस को मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन करता हूं, सेट क्लियर गोल्स, अंडरस्टैंड द मैथ्स एंड लॉजिक बिहाइंड इट, क्लियर डाउट्स एंड कंफ्यूजन, क्रिएटिव माइंड एंड आइडियाज, इमोशनली स्ट्रांग, साउंड माइंड, स्पीक लेस एंड थिंक मोर। तो दोस्तों, आप एक फुल फॉर्म तो जान ही गए सक्सेस की, बट इसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो पहला एस है उसका मीनिंग है सेट क्लियर गोल्स। आपको क्लियर गोल्स तो सेट करने ही चाहिए सबसे पहले सक्सेस को अचीव करने के लिए। सेट क्लियर गोल्स मैंने क्यों बोला, बिकॉज अगर आपके गोल्स ही क्लियर नहीं होंगे तो सक्सेस को अचीव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अगर आपको यूरोप जाना है, आप यूरोप जाते हैं जाना चाहते हैं, और बस आप डायरेक्टली ये बोल देते हैं कि मुझे यूरोप जाना है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी यूरोप पहुंचने में, बिकॉज आपको पता ही नहीं होगा कि यूरोप में कौन सी सिटी में जाना है, कौन से होटल में जाना है या किसके घर जाना है। अगर आपको ये पता ही ना हो तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा डेस्टिनेशन तक पहुंचना। ठीक उसी तरीके से अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके गोल्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कुछ लोग गोल सेट करते हैं कि आई विल स्टार्ट रीडिंग बुक्स, मैं अब से बुक रीड करना स्टार्ट करूँगा। बट ये जो गोल है वो नॉन स्पेसिफाइड गोल हैं, जैसे आई विल स्टार्ट सेविंग मोर मनी, आई विल लूज माई वेट। तो ना इनमें कोई डेडलाइन दी गई है, ना कोई टाइम फ्रेम दिया गया है। डेडलाइन मीन्स टाइम फ्रेम दिया हो गया है कि इतने समय के अंदर मैं करूँगा, और ये कुछ क्लियर भी नहीं है। बुक्स पढ़ूंगा, कितनी बुक पढ़ूंगा कुछ पता नहीं है। तो इसकी जगह आप क्लियर और स्पेसिफाइड गोल्स बनाएं, जैसे आई विल रीड 3 books इन 1 year, मैं 1 साल के अंदर 3 books पढ़ूंगा। आई विल सेव 5,000 rupees पर मंथ, आई विल लूज 2 kg एवरी मंथ, 2 kilo हर मंथ रिड्यूस करूँगा। तो ये जो हैं वो क्लियर गोल्स हैं, इनमें इन गोल्स को पढ़ने के बाद ज़्यादा स्पेसिफिकली, ज़्यादा क्लियरली डिफाइन हो रहा है कि आप एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं। और जब ज़्यादा क्लियरली आपको डिफाइन होगा तो आप ज़्यादा इजीली अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड द मैथ्स एंड लॉजिक बिहाइंड इट। देखिए, गोल सेट करने के बाद आपको उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे की मैथ्स को कैलकुलेट करना होगा। इट मींस अगर आप कोई गोल सेट कर लेते हैं, उसके बाद उसको उसकी आपको प्लानिंग करनी होगी, स्ट्रैटेजी बनानी होगी, और स्ट्रैटेजी बनाने के बाद आपको उस पर हार्ड वर्क करना होगा गोल्स को अचीव करने के लिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपको वेट लूज़ करना है, जैसे वही था कि 2 kilo आपको हर महीने वेट लूज़ करना है। तो वेट लूज़ करने के लिए आपको
सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, एक्सेस में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। कुछ लोग टीवी पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते रहते हैं या मोबाइल पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते रहते हैं, वो नहीं करना है। अपनी डाइट पर ध्यान देना है, प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेनी है, कार्ब्स पर कंसंट्रेट कम करना है, कार्बोहाइड्रेट्स वाली यानी कि डाइट नहीं लेनी है, जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी बनाना आपको उसको इसके बाद आपको ये सारी स्ट्रेटेजी बनानी है गोल्स को डिफाइन करने के बाद। अगर आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको इनकम और एक्सपेंसेस में का जो रेशियो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, आपको अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपेंसेस को कम करना पड़ेगा ताकि आप ज़्यादा सेव कर पाएँ। तो ये जो सारी स्ट्रैटेजी है, अगर आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ मैं, अगर कोई आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको अपना टाइम टेबल, अपना रूटीन बनाना पड़ेगा कि दिन में मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है, कितना टाइम पीरियड मुझे कौन से सब्जेक्ट को देना है और कितने टाइम पीरियड के अंदर मुझे कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो ये सारी स्ट्रैटेजी जो है ये उसके लॉजिक और मैथ्स के अंदर आती है, तो ये आपको सारा पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लियर डाउट्स एंड कन्फ्यूजन। देखिए आपने गोल्स भी सेट कर लिए, आपको आपने उसके लिए स्ट्रैटेजी, उसकी मैथ्स भी और लॉजिक भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद भी कुछ लोगों को क्या, काफ़ी सारे लोगों के सामने ये समस्या आती है कि कुछ डाउट्स एंड कन्फ्यूज़न स्टार्ट होने लगते हैं। मान लीजिए आप बहुत पैसे अर्न करना चाहते हैं तो आपको लोग उल्टी सीधी सलाह ज़्यादा देंगे कि इस स्कीम में पैसे लगा लीजिए, उस स्कीम में पैसे लगा लीजिए या इधर इन्वेस्ट कर दीजिए। तो ऐसा आपको नहीं करना है, सारे डाउट्स एंड जो आपके कन्फ्यूज़न है उसको क्लियर करना है, अच्छे से रिसर्च करनी है, अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, अपनी समझ और सूझबूझ के अकॉर्डिंग आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, किसी के कहने पर नहीं करना है। या फिर आपको कोई अपना मेंटर बना लेना है, मेंटर मतलब कोई ऐसा पीपल जो पहले गोल अचीव कर चुका हो, जो उसकी एडवाइस लेनी है। किसी नौसिखे की एडवाइस तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आप फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले सकते हैं, आप अपने किसी मेंटोर में आपके आपके फादर हो सकते हैं, आपका बड़ा भाई हो सकता है जिसने वो गोल्स पहले ही अचीव कर रखे हों। तो आपको उनसे बात करके अपने डाउट्स एंड कन्फ्यूज़न को क्लियर करना है, चाहे कोई भी गोल हो, मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिव माइंड। देखिए सक्सेसफुल होने के लिए आपका क्रिएटिव माइंड ज़रूर होना चाहिए, क्रिएटिविटी से भरा होना चाहिए। क्रिएटिविटी कम्स फ्रॉम द इमेजिनेशन, और क्रिएटिविटी कहाँ से आती है, इमेजिनेशन के थ्रू आती है। हमें नए नए तरीके इमेजिन करने चाहिए और इमेजिन करने के बाद उनको अप्लाई भी करना चाहिए। देखिए कोई भी आइडिया या कोई भी इमेजिनेशन तब तक कामयाब नहीं होता जब तक हम उस पर एक्शंस नहीं लेते हैं। तो सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को एक्शन में कन्वर्ट करना है, और जब आप एक्शन लेंगे तो हो सकता है आप फेल भी हों, लेकिन अगर आप लगातार एक्शंस लेते रहेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। नेक्स्ट इज ई, ई मीन्स इमोशनली स्ट्रांग। आपको इमोशनली स्ट्रांग भी रहना है सक्सेस के रास्ते में, बिकॉज सक्सेस के रास्ते में बहुत सारे फेलियर्स भी आएंगे। जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं वो बहुत बार फेल हुए हैं, इवन 1000 times वो फेल हुए हैं। तो आपको इमोशनली स्ट्रांग रहना है, मेक योर सेल्फ इमोशनली स्ट्रांग एनफ वट एवर द सिचुएशन इज, कोई भी सिचुएशन हो मगर आपको इमोशनली स्ट्रांग रहना है। बिकॉज क्यों रहना है, द रोड टू सक्सेस पासिस थ्रू द पाथ ऑफ फेलियर्स। सक्सेस का जो रास्ता है वो फेलियर के रास्ते से होकर ही गुजरता है। आप भले ही 1000 बार फेल हों, 2000 बार फेल हों, लेकिन आपको क्विट नहीं करना है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, इमोशनली स्ट्रांग नहीं होंगे, तो आप पहले ही क्विट कर जाएंगे सक्सेसफुल होने से पहले ही। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नाउ एस स्टैंड्स फॉर साउंड माइंड। साउंड माइंड होता क्या है, साउंड माइंड मीन्स टू बी मेंटली काम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट इन योर एक्शंस। आपको मेंटली काम रहना है, मतलब आपका जो माइंड है वो बिल्कुल शांत रहना चाहिए और आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होने चाहिए अपने एक्शंस को लेकर। कोई भी बोले कि आप नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है, अपने में कॉन्फिडेंस रखना है और उन काम को करना है सक्सेसफुल होने के लिए। बिकॉज़ अगर आपका माइंड जो है वो डिप्रेस्ड होगा, इरिटेट होगा, तो आप क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं सोच पाएंगे, आप अपने लॉजिक को नहीं डेवलप कर पाएंगे, आप गोल्स डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है काम माइंड से, शांत माइंड से अपने गोल्स को अचीव करने के लिए काम करते रहें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पीक लेस थिंक मोर।
आपको बोलना कम है और सोचने पर ज़्यादा ध्यान देना है। कई लोग बोलते बहुत ज़्यादा हैं और अपनी एनर्जी जो है वो बोलने में ड्रेन कर देते हैं। बिकॉज़ दोस्तों आप ये सभी लोग जानते हैं कि बोलने में बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन होती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि सक्सेसफुल लोग रीडिंग पे, थिंकिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं बिसाइड्स कि वो बोलते ज़्यादा नहीं है, बोलने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। गिव सम आइडियल टाइम टू थिंक योरसेल्फ, दिन में एक बार ज़रूर ऐसा आइडियल टाइम देना है 10-15 मिनट का या 20 मिनट का, जो कि आप अपने बारे में सोच सकें कि एक्चुअली आपको करना क्या है, कैसे करना है। बिकॉज जब आप सोचते हैं तो सोचने से आपकी जो मेंटलिटी है वो ज़्यादा क्लियर हो जाती है, जब मेंटलिटी ज़्यादा क्लियर हो जाती है तो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं, और जब डिस्ट्रैक्शंस बहुत हद तक कम हो जाते हैं तो आप ज़्यादा काम करने लगते हैं, और जब ज़्यादा काम करने लगते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इनक्रीज़ हो जाती है। तो दोस्तों दिस इज़ द रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस, यही था रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस जो मैंने वीडियो के अंदर आपको फटाफट समझा दिया है। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि लास्ट में मैं आपको एक फॉर्मूला ज़रूर बताऊंगा सक्सेस को अचीव करने का, दैट इज़ सक्सेस इज इक्वल्स टू पेन प्लस सेक्रीफाइस। जी दोस्तों, सक्सेस वहीं प्राप्त होती है, वहीं मिलती है जहाँ पर दर्द और सेक्रीफाइस होगा। अब ये मतलब ये नहीं है कि कोई बीमार है तो उसका दर्द, जी नहीं, दर्द इन द सेंस कि अगर आप सेक्रीफाइस करते हैं, किसी चीज़ का त्याग करते हैं। मान लीजिए आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पार्टीज अवॉइड करते हैं, अपने फ्रेंड्स को अवॉइड करते हैं, उनका त्याग करते हैं और फालतू के डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा डिफिकल्टी तो होती है। वही पेन और सेक्रीफाइस मिलके आपको सक्सेस दिलाता है। अगर आपको वेट लूज़ करना है तो ऑब्वियसली आप एक्सरसाइज करेंगे, आपको पेन भी होगा, आपको दर्द भी होगा, आप थकेंगे भी बहुत ज़्यादा। आप सेक्रीफाइस क्या करेंगे, आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, आप अपनी डाइट प्लान चेंज करेंगे, आप जितना भी आपका टेस्टी फूड और अनहेल्दी फूड है उसको अवॉइड करेंगे और हेल्थी फूड और रूटीन पर आएंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से। विदाउट पेन एंड सेक्रीफाइस वी कांट अचीव सक्सेस, बिना पेन और सेक्रीफाइस के हम सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस जो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको ठीक से समझा दिया है। अगर किसी को कुछ कन्फ्यूज़न हो या अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकता है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थम्स अप बटन को प्रेस कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो भी रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस को जान पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ, सक्सेस को अचीव कर पाएँ। टिल द एंड गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।